बिहार के भागलपुर में त्योहारों के वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की और शनिवार की रात जिले के सनहौला मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई। मां दुर्गा, श्री राम, सीता, लक्ष्मण और राधा कृष्ण की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मूर्तियों के जेवर भी चुरा लिए गए। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। इलाके में तनाव फैल गया। घटना से गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। स्थिति अनियंत्रित होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। नाराज लोगों ने घोघा सनहौला मुख्य मार्ग को जाम कर खूब हंगामा किया। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो भीड़ और उग्र हो गई। तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ पत्थरबाजी करने लगी। बताया जा रहा है कि देर रात मंदिर में असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। सुबह जब लोग पूजा करने गए तो मंदिर में मौजूद प्रतिमाओं को खंडित पाया। खबर फैलते ही लोग आक्रोशित हो गए। घटना को लेकर प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे थाने के पीछे मौजूद मंदिर में इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने एक असामाजिक तत्व को गिरफ्तार भी किया और पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी एक विक्षिप्त व्यक्ति है। तो मामले में जो संलिप्त अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मूर्ति विखंडन की बात आई है और हम लोग मूर्ति को पुनः स्थापित करने तथा आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। विधि व्यवस्था भी सामान्य है, विधि व्यवस्था संधारण है, तो हम लोग पर्याप्त संख्या में अपना बल लिए हुए हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सर, फिर बात आ रही है कि इसमें एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ही व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था और उन्हीं की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अफवाह न फैलाने की अपील भी जनता से की। मौके पर अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल, CIAT कमांडो, दंगा नियंत्रण बल की तैनाती की गई है। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।